नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जिस मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो है आपका एक्सेलमिन। बहुत बढ़िया एक दवाई है जो कि ठंड महीने में सबसे ज़्यादा बच्चों में होने वाले बीमारियों के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये बीमारी किस तरीके से यूज़ होता है, यानी कि यह जो दवाई है ये बीमारियों में किस तरीके से इसे यूज़ में लाया जाता है, इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या है और क्या चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रख के चलना चाहिए अगर ये आप ये दवाई यूज़ कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है मेरे SDR TV चैनल में, मैं हूं आपके दोस्त सुदीप। तो दोस्तों, मेरा पास जो ब्रांड है वो है आपका एक्सेलमिंट, और ये जो एक्सेलमिंट है इसमें आपका मेन तीन मॉलिक्यूल है। एक है आपका सेटिजिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि है 5 mg में, डेक्सोमेथरपेन हाइड्रोक्लोराइड जो कि है 5 mg में, और फिनालेफिन हाइड्रोक्लोराइड है 2.5 mg में। सीरुलेस ड्रग है, खुद से खरीद के मत खाइए। 75 इसका MRP है। DWD फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड इसका मार्केटिंग कर रहा है। तो मेनली 100 ml का इस तरीके का एक पाउच में आपको ये दवाई मिल जाएगा। तो ये मेन फ्लेवर में इसलिए दिया गया है कि बच्चों में क्या होता है कि दवाई खाने में अनीहा होता है, इसका एक रीज़न होता है कि वो खाने में टेस्ट नहीं होता है, तो जिस कारण से इस मेन फ्लेवर दिया गया है ताकि बच्चों को खाने में तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, अब जो ये तीनों मॉलिक्यूल सेट्रोजिन, डेक्सोमेथरपेन, फिनालेफेरिन, ये किस तरीके से काम करता है? मेन ये काम करता है दोस्तों ठंड महीने में बच्चों में जो सर्दी वगैरह, नाक से पानी गिरना, आँख से पानी गिरना और पूरा जो सर्दी हो जाता है, बार बार खाते टाइम, किसी से बात करने टाइम में जो नाक से पानी गिरते रहता है, ये जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेनली इस तरीके का मेडिसिन यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि बच्चों में अगर प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उसको एंटीबायोटिक भी ज़रूरी हो सकता है। तो इस कारण से क्या होता है, ये आप खुद से खरीद कर मत खिलाइए। अगर एंटीबायोटिक का दरकार है तो आप एंटीबायोटिक आपको लेना पड़ेगा। अगर नॉर्मल सा प्रॉब्लम है तो आप इसे मतलब केमिस्ट शॉप की सलाह अनुसार या फिर डॉक्टर के सलाह अनुसार आप इसे ले सकते हैं। अब इसे कितना डोज देना है वो डिपेंड करेगा आपका बेबी का एज कितना है, ठीक है, उसका हेल्थ कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करके 2.5 ml से लेकर 5 ml तक होता है। उसके बाद डोजेस आप 3 टाइम भी दे सकते हो, 2 टाइम भी दे सकते हो, ये डिपेंड करता है बेबी के ऊपर, यानी कि आपके बच्चों के ऊपर, उनका हेल्थ किस तरीके का है, जो प्रॉब्लम हो रहा है वो किस तरीके का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोस्तों, ये नॉर्मली यूज़ करने के बाद साइड इफ़ेक्ट बहुत कम ही दिखाई देता है। अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो आपको किस तरीके का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली होता है कि ये खाने के बाद बच्चों में डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, लेटरिन का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट दुखना हो सकता है, या फिर नींद आना, चक्कर आना, इस तरीके का नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन ये अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। वैसे तो आपको ये मेडिसिन ऑनलाइन, ऑफलाइन आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे परचेस करके आप यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो ये इन्फॉर्मेशन है आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग DR TV। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। हैव अ नाइस डे।